मैं तो पूरे रमज़ान तकरीबन मुझे बहुत कोई तकरीबन 4 या 5 दिन की छुट्टी मिल पाई है। अच्छा। वरना पूरा रमज़ान हमारा वही स्केजुअल था कि सुबह 10 से रात 10 तक हम शूट कर रहे थे। और आप जैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन में मसरूफ़ होते हैं, हमारी जो है वो ड्रामे की शूट चल रही है, मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ तो उसकी शूट बैक टू बैक, उसमें हम फंसे हुए थे। लेकिन ये कि रमज़ान की रौनक एक सेट पे भी होती है, क्योंकि एक फैमिली हमारी घर की है और एक फैमिली हमारी सेट की है, जैसे आप लोगों की ये फैमिली होगी, तो इनकी एक रौनक अलग होती है कि अब जब रमज़ान होते हैं या इफ्तार का वक्त है, नमाज का वक्त है, तो सब ब्रेक ले रहे हैं अपना, या इफ्तार के लिए एक दस्तखान का इंतजाम हो रहा है, तो बड़ा वो भी। और जब शेफ उरूज खाना बनाती हैं तो उस पर लुट भी मचती है बाद में, ये तो मुझे यकीन है, कैमरे ऑफ हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो फिर हम सबकी ख्वाहिश होती है कि सब खाएं वो। पहले तो ट्रांसमिशन में ऐसा होता था कि इफ्तार के टाइम पे जो है वो डिश गायब हो जाती थी, तो आपके यहाँ भी यकीनन ये हो रहा होगा। कभी कभी होता है कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनी हो और वो कम बनी हो तो अक्सर गायब हो जाती है, और गायब करने वाले का नाम पता कभी नहीं पता चलेगा, वो वो एक राज है। और वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है कि यार कहाँ गायब थी। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी मुझे लगता है कि ये हम सब एक फैमिली का पार्ट होते हैं जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो मेरे भी सेट के ऊपर ही ज़्यादातर अफ्तार गुजरी हैं, घर में जो अफ्तार गुजरी हैं अम्मी के साथ, तो उन्होंने बड़ा अहतमाम किया, वरना मेरे यहाँ यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ अफ्तार के टाइम पे ही खाना भी साथ हो जाता है मोस्टली सब। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं 4 दिन ही घर पे हूँ, या मैं सिर्फ संडे को ही घर पे हूँ, तो मेरे लिए बड़ा जो है पूरी इफ्तारी चढ़ती है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरी हर टाइम जो है ना वो रोज़ा खुशाई हो रही है। क्या पसंद करती हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा, मैं वैसे खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बहुत पिकी भी हूँ, तो बस जो भी मिले अच्छा जायका होना चाहिए, सिर्फ ये मेरी। यानी आपकी सेहत से बज़ाहिर जो नज़र आ रही है हाँ। उससे लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाने की शौकीन है, या तो ये होगा कि आप सब खाती होंगी लेकिन थोड़ा हाँ, बस यही होता है कि मैं बहुत थोड़ा मतलब 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, इस तरह करके ही खाना होता है, पोर्शंस में खाती हैं जी। मतलब किचन में अब खाना वाना भी अच्छा बना लेती हैं आप? अच्छा, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, खाना बहुत कम होता है। कभी नहीं बनाया? नहीं, खाना नहीं बनाया मैंने, मैं पता नहीं क्यों, बस वो हुआ नहीं कि मेरा किचन की तरफ रुख नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मैं गई हूँ और मैंने आज आपका हाथ लगवा देंगे अब ये जो हमारा सेगमेंट ठीक है। मतलब हाँ, इतना मैंने थोड़ा बहुत कुछ आता है, कुछ लाइक पास्ता वगैरह बना लूंगी, लज़ानिया पिज्जा ये सब बना लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर देसी खाना नहीं आता। आपका जो सेगमेंट जब खत्म होगा उसके बाद आपने कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, आज हमारा कैमरा उस तरफ नहीं होता, अगर अगर आपको पास्ता बनाकर हमारे लिए अफ्तार के लिए, मैं आप लोगों को वैसे ही बना के भिजवा दूंगी, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, वो बात अलग है, एक लाइव चले कैमरे में हम नहीं दिखाएंगे, उसके बाद आप कैमरे में भी दिखा दें, मुझे कोई मसला नहीं है, सबको पता है, कोई मसला नहीं है। चले, तो अब सेट पे अफ्तार जब करती हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं, फिर क्या रूटीन होता है? अच्छा, वो ये होता है कि जो एक मुझे लगता है रमज़ान का एक रिचुअल है कि समोसे और पकोड़े और फ्राइड आइटम तो ज़रूर होने चाहिए, तो वो तो दस्तखान पे हमेशा लाजिम होते ही होते हैं। उसके अलावा सेट पर हमारे यहाँ दूध वाले शरबत का मैंने बड़ा इस दफ़ा देखा कि अहतमाम हुआ है जी, वो दूध के साथ मिक्स करके उसके। हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है, अगर आप देखें ना तो अगर आपको मौका मिले, ज़ाहिर है आप उस वक्त मसरूफ़ होती होंगी, लेकिन कभी मौका मिले या एक्सप्रेस के सोशल मीडिया पे आप देखें तो अफ्तार के वक्त मौलाना आज़ाद जमील साहब ने एक बार, मैंने देखा कि अफ्तार के दौरान वो छोटे छोटे तरबूज काट रहे हैं और गिलास में डाल रहे हैं, और उसके बाद वो वाटर पंप का मशहूर शरबत जो है ना, रूह अफ़ज़ा, वो मैंने पिया हुआ, बहुत अच्छा होता है, उन्होंने बनाना शुरू किया, अब वो हिट हो गया है, तो अब वो सब लोग यहाँ पे वही रोज बनता है और एक्सक्लूसिव एक ही गिलास बनता है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई है कि अभी वो ब्रांड, मतलब अभी वो ना आउटलेट उनका बना ना कुछ हुआ है, यानी प्यारा रमज़ान से उसका आगाज़ हो गया, MAJ मौलाना आज़ाद जमील ड्रिंक। अब वो उस पर कभी खजूर की गार्निशिंग होती है, कभी उस पर वो स्टिक के ऊपर वो शिमला मिर्च लगा देते हैं जिसका शरबत से कोई ताल्लुक नहीं। शिमला मिर्च वो सिर्फ अच्छा। दिखाने के लिए अच्छा, वो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं हमारे सेट के ऊपर। अच्छा। और ज़ाहिर आपने भी काफ़ी ट्रांसमिशन में ऐसा वक्त गुजारा है जो इस तरह से सेलिब्रेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब मज़ीद जो है आपने कितनी तरक्की करनी है, कहाँ तक का सोचा है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि कभी सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत बेहतरीन जगह ही अल्लाह ताला लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।